हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन के बारे में बात करेंगे फाइल ओपनिंग करने की। कोई पर्टिकुलर फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल नोटपैड की। फाइल को कैसे ओपन करें, यहां पे लिखते हैं एफ। कोई रेबल एफ इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया ओपन, सिंपल क्या देना ओपन। ओपन के अंदर में अपना फाइल नेम, जो भी फाइल नेम है जैसे विथ एक्सटेंशन, तो यहाँ पे हमने लिखा t1.txt। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मोड, कि आप फाइल किस मोड में खोलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर आ देते हैं। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है राइट डेटा इनटू फाइल। इसके बाद अब ये डेटा यहां पे एफ के ऊपर ओपन हो चुका है। अब मुझे इसको देखना है, तो यहां पे लिखते हैं, यहां लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहां पे करते हैं एफ। तो क्या रन होगा? चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहां पे जो है टेक्स्ट एडिटर नेम यहां पे दिखा दिया, क्योंकि हमने राइट मोड में खोला है, एनकोडिंग वगैरह राइट मोड में खोला है। इसलिए अगर मैं राइट मोड में ना खोल के रीड मोड में खोलूं तो क्या होगा? फिर भी मुझे इसके अंदर का डेटा नहीं दे रहा। फाइल को रीड तो कर पा रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा, डेटा को शो नहीं कर पा रहा। तो शो कैसे करें? तो शो करेगा, यहां पे मुझे बताना होगा ना कि भाई फाइल के साथ क्या करना है। तो यहां पे हमने दे दिया रीड, क्या दिया? रीड, और ये फंक्शन है, इसे ब्रैकेट ओपन क्लोज मुझे करना होगा। अब अगर इसको रन करते हैं तो इसके अंदर का जो भी डेटा है आपको शो करेगा। अब d1.txt में आई थिंक कोई डेटा नहीं है। एक बार रन करते हैं, ब्लैंक है, इसे ब्लैंक है। या फिर मैं आर को हटा के अगर ए करता हूं तो क्या होता है? ए जो आर रीड हुआ, डब्ल्यू रीड राइट हुआ, ए जो है, ए आपका जो है इनेबल नहीं है। ए होता है अपेंड होता है, बट यहाँ अपेंड नहीं होगा, तो ये आर ही वर्क करेगा। अब यहां हम एक बार आते हैं अपने फोल्डर में, और D1 नाम का कोई फाइल नहीं है D1 में डेटा। अब यहां पर DT करते हैं, हमारे पास DT नाम का एक डेटा है, उसको ओपन करते हैं। ये देखिए पूरा डेटा इसने रीड कर। अब इसके अंदर कुछ भी टाइप करना, कुछ भी करना, तो यहां पे इसको हम रीड आसानी से कर सकते हैं। अब इस तरह की पूरी कंप्लीट पायथन सीखना चाहते हैं, तो जस्ट कंसेप्ट समझाया आपको मैंने। अगर पूरी पायथन सीखना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन